हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हॉर्न एंटीना। तो हम जान लेते हैं कि हॉर्न एंटीना क्या होता है। अ हॉर्न एंटीना और अ माइक्रोवेव हॉर्न इज एन एंटीना दैट कंसिस्ट ऑफ अ फ्लेयरिंग मेटल वेवगाइड शेप लाइक अ हॉर्न टू डायरेक्ट अ रेडियो वेव इन अ बीम। हॉर्न एंटीना क्या होता है, इसे हम माइक्रोवेव हॉर्न भी बोलते हैं। ये कंसिस्ट करता है एक फ्लेयरिंग मेटल। फ्लेयरिंग मेटल क्या हो गया, एक शाइनिंग मेटल जो कि वेवगाइड शेप का होता है, जो कि हमारा जो बीम होता है उसे एक्सपेंड कर देता है। अब देखते हैं इसका डायग्राम। ये जैसे हमारा ये वेवगाइड है, इसमें हमने एक हॉर्न अटैच किया है। अब ये फ्लेयर हॉर्न है जो कि ये बहुत साइन, फ्लेयर से पता चल रहा है कि ये साइन है। इससे हमारा जो सिग्नल है वो आउट होगा। ये हमारा एक वेवगाइड हो गया जिसे हमारा सिग्नल यहाँ से इनपुट होगा। अब इसके देख लेते हैं टाइप्स। टाइप ऑफ हॉर्न एंटीना, एक सेक्टोरियल हॉर्न एंटीना, पिरामिडल हॉर्न एंटीना और सर्कुलर हॉर्न एंटीना। अब जैसे कि हमारे हॉर्न एंटीना में और भी टाइप्स के होते हैं, लेकिन ये तीन मेन है। जो सेक्टोरियल हॉर्न एंटीना है उसमें हमारा ई प्लेन और एच प्लेन आता है, जैसे हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। जैसे उसके बाद हमारा गया पिरामिडल हॉर्न एंटीना और सर्कुलर हॉर्न एंटीना। सर्कुलर हॉर्न एंटीना को हम कॉनिकल हॉर्न एंटीना भी बोलते हैं। अब देखते हैं इसके फील्ड पैटर्न। मोस्टली जो हॉर्न एंटीना होता है उसका फील्ड पैटर्न इस तरीके से बनता है। और ये जो हमारा हॉर्न एंटीना में, सेक्टोरियल हॉर्न एंटीना में जो ई प्लेन है उसका भी शेप इस तरीके से बनता है, इस तरीके से। और जो एच प्लेन यूज होता है, जैसे हमारा ये वर्टिकली है, ये हमारा वर्टिकली हो गया, एच प्लेन ई प्लेन में हो गया। अगर हम एच प्लेन में करेंगे तो हमारा जो शेप है वो ई तरीके का आएगा, थोड़ा वाइड वाइड आएगा। अब देखते हैं इसके एप्लीकेशंस। इट इज़ यूज एज फीडर। ये फीडर की तरह यूज़ होता है, जैसे हमने देखा है पिछली वीडियो में पैराबोलिक एंटीना में कि हमें फीड की प्रोसेस बता रखा है। और उसमें जो फीडर होता है वो हमारा जो हॉर्न एंटीना होता है। अब देखते हैं इसके, इट इज़ यूज एज एटोमिक डोर ओपनर। ये ऑटोमेटिक डोर ओपनर में भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज रडार फॉर शॉर्ट रेंज, और रडार में भी यूज़ होता है लेकिन शॉर्ट रेंज के लिए। आप देखते हैं इसके एडवांटेज। गेन ऑफ द एंटीना इज 25 डेसिबल। इसका गेन होता है वो बढ़िया होता है 25 डेसिबल तक, समटाइम ये 20 डेसिबल तक भी चल जाता है। इसका लो स्टैंडिंग वेव रेशियो होता है जो कि एक बढ़िया बात है। अब बोर्ड बैंडविड्थ, ये भी एक एडवांटेज है। और सिंपल कंस्ट्रक्शन, ये इसके हो गए एडवांटेज। थैंक यू।